शहर में आज फिर से हुई कटे सिरों की बारिश। ये खबर सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई थी। एक बार फिर लेकर आ रहे हैं आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज। उन दोनों प्रोस्थेटिक चेहरों की शिनाख्त हो चुकी है, राजू सोनी और मोहन कालिया। और अचंभे वाली बात तो ये है कि इन दो व्यक्तियों की भी हत्या हो चुकी है। पुलिस का मानना है कि ये हत्याएं भी खोपड़ी तोड़ने ही की है। याद दिला दें आपको कि केडी पाठक के मुवक्किल परिवर्तन कुमार को कल ही जमानत पर छोड़ा गया था। क्या परिवर्तन कुमार ही है खोपड़ी तोड़? जानने के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज। मैंने कोई खून नहीं किया। मैं तो शिरडी गया था बाबा जी के चरणों में माथा टेकने। आपकी इस बात पर मैं विश्वास कैसे कर सकता हूँ? एक बात है जिससे आपको मुझ पर भरोसा हो जाएगा। राजू और मोहन का खून होने से पहले पुलिस को उनका भी प्रोस्थेटिक चेहरा मिला था। एक प्रोस्थेटिक चेहरा बनाने को 5 दिन लगते हैं और 2 को 10। और मैं तो कल ही जमानत पर छूटा हूँ, तो फिर मैं उनका प्रोस्थेटिक चेहरा कैसे बना सकता हूँ? हो सकता है आपने ये चेहरे पहले से बना के रखे। नहीं 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 केडी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यकीन कीजिए मेरा। तो फिर तुम घटनास्थल पर क्या कर रहे थे? वो तो आप ही ने मुझे बुलवाया था उधर। मैंने? हाँ, आप ही का फोन आया था। आपने कहा कि कोई इम्पोर्टेंट सबूत मिला है और जिसके लिए मुझे माझीवाड़ी के सेक्टर नंबर 3 में पहुँचना होगा। ये कौन से नंबर से फोन आया था? लैंडलाइन नंबर से किया था। और मैंने आपसे पूछा भी कि आपने मोबाइल से फोन क्यों नहीं किया, तो आपने कहा कि शायद असली खूनी आपका फोन टेप कर रहा हो। और आपने ये भी कहा कि मेरी जान को खतरा है। अच्छा, तो लगता है असल हत्यारे ने आपको फोन किया। षड्यंत्र रच रहा है कोई, देखता हूँ मैं। सर, पीके से कुछ पता चला? नहीं है, पता लगाना है तुम दोनों को, वो भी कल अदालत समाप्त होने से पहले। रोनर, अगर परिवर्तन कुमार जी को हमने बेल पर ना छोड़ा होता तो आज राजू सोनी और मोहन कारिया दोनों जिंदा होते। योर ऑनर, एक बार फिर मेरे मुवक्किल परिवर्तन को हत्याओं के आरोप में फंसाया गया है। ये हत्याएं इन्होंने नहीं की। सत्य तो ये है कि किसी व्यक्ति ने PCO से मेरा नाम लेकर इन्हें फोन किया, घटनास्थल पर बुलाया। जब ये घटनास्थल पर पहुंचे तो वहाँ राजू और मोहन के शव पहले से पड़े हुए। मिस्टर पाठक, फिर उस खून से सनी हुई हथौड़ी का क्या, जो मिस्टर परिवर्तन के हाथ से बरामद हुई थी उस वक्त? योर ऑनर, अकस्मात ऐसा हुआ कि जब ये वहाँ पहुंचे, वहाँ घोर अंधेरा था और इनका पैर किसी वस्तु से टकराया। इन्होंने उस वस्तु को उठाया तो हाथों में हथौड़ी पाई। उसी समय पुलिस वहां पहुंच गई, हत्याओं के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया। चलिए मान लेते हैं कि PCO से आपका नाम लेकर आपके मुवक्किल को किसी ने कॉल किया, तो इनके मोबाइल फोन में वो रिकॉर्ड्स होंगे। आपने वो रिकॉर्ड्स निकाले होंगे? जी, पूरी सूची निकलवाई, आपके दफ्तर में एक कॉपी भिजवाई थी, लगता है आपके हाथ लगी नहीं। योर ऑनर, उस सूची के अनुसार, जांच के अनुसार, योर ऑनर, माझीवाड़ी के सेक्टर नंबर 3 के PCO से वो फोन किए गए थे। सर्वप्रथम 6 बजे मेरे मुवक्किल को फोन करके वहाँ बुलाया गया। उसके पश्चात उसी PCO से मोहन और राजू को भी 6:10 पर फोन करके उस स्थल पर बुलाया गया। योर ऑनर, ये हादसा, ये हत्याएं 8 और 8:30 के बीच में हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार। मिस्टर केडी, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। योर ऑनर, मेरा ऐसा मानना है कि किसी ने बड़ी चतुरता से तीनों को वहां बुलाया और ये हत्याएं की और उसके आरोप में मेरे मुवक्किल को फंसाया। व्हाट नॉनसेंस मिस्टर पाठक, ये भी तो हो सकता है ना कि वो कॉल खुद ब खुद परिवर्तन कुमार ने ही किया। हाँ, वो संभव होता अगर मेरे मुवक्किल उस समय शाम के 6 बजे शिरडी से मुंबई यात्रा न कर रहे होते। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल उस समय शिरडी से मुंबई यात्रा कर रहे थे कंफर्ट ट्रेवल्स के बस नंबर MH06443 में। उस समय योर ऑनर इनकी बस थाने टोल नाका पर थी। स्पष्ट है, अगर ये उस समय बस में थे तो फिर माझीवाड़ी के सेक्टर नंबर 3 से कैसे फ़ोन कर सकते। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर भी हम खोज रहे हैं।
प्रश्न ये था कि अंततः क्यों और किसने हेलीकॉप्टर से पैराशूट द्वारा वो दो नकली खोपड़ी धरती की ओर भेजे। नो 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 मिस्टर पाठक, आप फिर से मिस्टर जिंदल की तरफ मत बढ़िए। ही इज गॉट नो कनेक्शन इन दिस केस। इस समय मैं ये बताना चाहूंगा अदालत को कि उस हेलीकॉप्टर में श्री राजकुमार जिंदल के अतिरिक्त भी कोई था। केडी, इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि जिस पर तुम उंगली उठाओगे उसके खिलाफ तुम्हारे पास पुख्ता सबूत होंगे। सत्य की खोज चल रही है यार, निवेदन करता हूं कि थोड़ी प्रतीक्षा। गुड मॉर्निंग, हम लोग हरगड़ी न्यूज चैनल से आए हैं। हम आपके कुछ एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आप लोगों के पास अपॉइंटमेंट लेटर है? अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं है। देन आई एम सॉरी, बिना अपॉइंटमेंट लेटर के आप किसी से मिल नहीं सकते। प्लीज मैम। हो गया, थैंक यू। चल कांदा ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करना मांगता है, समझे ना? बड़ू, तू कहावत तो सीधी बोल, कांदा नहीं होता घी होता है। वरुण भाई, आपको मालूम घी कांदे से ज्यादा सस्ता है, तो कांदे के तो वांदे हैं। हाँ, इसलिए बोला अपुन ने। प्लीज प्लीज श्रवण, पका मत। भाई, एक काम करो, आप अपने सीधर से जाओ, अपुन अपने टेढ़े से जाता है। बोले तो जयराम जी की। योर ऑनर, मैं क्षमा चाहता हूँ कि किसी कारणवश मेरे सहायकों को यहाँ पहुँचने में विलम्ब हो रहा है, अदालत का समय नष्ट हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ। वैसे भी लंच टाइम हो चुका है, इस केस की सुनवाई लंच ब्रेक के बाद जारी रहेगी। द केस इज अडजर्न्ड। यस काका, पियो 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 पियो। क्या बात है, आपके सहायक अभी तक आए नहीं? पता नहीं क्यों उन्हें इतना विलंब हो रहा है। योर ऑनर, हम ऑलरेडी 2 घंटे यहाँ पर वेट कर चुके हैं। योर ऑनर, मैं श्री राजकुमार जिंदल के विमान चालक उमेश चक्रपाणी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? उमेश जी, कृपया अदालत को बताइए कि ये जो श्री राजकुमार जी का हेलीकॉप्टर आप उड़ाते थे, वहाँ ये पायलट ड्रॉप सिस्टम, ये यंत्र, ये क्या होता है? वो सिर्फ इमरजेंसी में यूज किया जाता है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि उसका उपयोग कब किया जाता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्या क्रिया होती है, क्या करने की? वो कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिससे एक स्विच ऑन करते ही पायलट की सीट के पास वाला एरिया ओपन हो जाता है। अच्छा, अद्भुत बात है। मतलब आप एक स्विच द्वारा पायलट के पास की जगह को, स्थान को खोल सकते हैं ताकि वहां से कोई भी चीज नीचे धरती की ओर गिराई जाए। और क्या मेरा ये कहना सही रहेगा कि जब पायलट ऐसा करता है तो हेलीकॉप्टर के अन्य यात्री जो होते हैं उन्हें इस बात की भनक नहीं लगती? जी सर, अब बिल्कुल सही है। सही जी। ठीक है, एक निजी प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। सुना है कि आप एक बहुत ही विख्यात एयरलाइंस के लिए काम
काम करते थे, आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरते थे, भारी वेतन पाते थे, फिर अचानक आपने इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर राजकुमार जी की ये छोटी सी हेलीकॉप्टर वाली नौकरी क्यों ली है? एक्चुअली आपके पास उत्तर नहीं है, मेरे पास उत्तर है, मैं देता हूँ। योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा, एक विख्यात एयरलाइंस के लिए उमेश जी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरते थे। एक उड़ान के समय ये मदिरा का सेवन कर रहे थे। उस विमान को जब जमीन पर उतारने का समय आया, ये प्रॉपर लैंडिंग कमांड्स देना भूल गए, योर ऑनर, चूक हो गई इनसे। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी, सारे यात्रियों की जान जा सकती थी। अंतिम क्षण पर इनके सह विमान चालक ने परिस्थिति को संभाल लिया। जब एयरलाइंस को इस बात की जानकारी हुई, तब इन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उस केस के जज योर ऑनर आदेश चौधरी जी थे। प्रश्न ये उठता है योर ऑनर की मनसुख मेहता, राजू सोनी और मोहन कारिया से इनकी क्या शत्रुता थी, क्या बैर था इनके मन में, उनके लिए क्या उद्देश्य था आपका उनकी हत्या करने का? प्रश्न का उत्तर ये है योर ऑनर की 14 अगस्त को इन्होंने मोहन कारिया जी की दुकान से 5 तोला सोना खरीदा और दूसरे ही दिन उनके दुकान पर लौटे और उन पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने इन्हें नकली सोना बेचा। इसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ योर ऑनर, और मोहन जी ने मनसुख भाई और राजू की मदद से इन्हें मारकर पुलिस की धमकी देकर दुकान से बाहर किया। सत्य कह रहा हूँ, ये सब हुआ था, बट वो तो बस एक छोटी सी बहस थी। छोटी सी बहस थी? आप शराब के नशे में धुत उनके दुकान पर गए, उन पर जाली सोना बेचने का आरोप लगाया, उन्होंने आपको मार कर वहां से भगाया, आपने उन्हें जान से मार देने की धमकी दी थी, ये छोटी बहस थी? मैं मानता हूँ कि उस दिन मुझे उन चारों पर बहुत गुस्सा आ गया था, पर उनका खून मैंने नहीं किया और ना ही मैंने अपने हेलीकॉप्टर से उनके नकली सिर नीचे भेजे। झूठ बोल रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। उन दो रोज जब हादसा हुआ था, मैं हेलीकॉप्टर में था ही नहीं। क्षमा चाहता हूँ, आप हेलीकॉप्टर में नहीं थे, कार्ड रजिस्टर में तो आप ही के हस्ताक्षर थे। मैं सिर्फ साइन करने एरोड्रोम गया था, उसके बाद मैं हेलीकॉप्टर तक भी गया था, पर हेलीकॉप्टर में मैं नहीं, मेरा असिस्टेंट गया था। यानी कि जिस दिन जिंदाल जी का हेलीकॉप्टर उस जगह से गुजरा जहां वो पैराशूट के जरिए कटे हुए सर नीचे फेंके गए थे, उस दिन ना ही जिंदाल जी और ना ही उनके पायलट, दोनों में से कोई भी हेलीकॉप्टर में नहीं था। प्रश्न ये उठता है योर ऑनर कि अगर उमेश जी और राजकुमार जी दोनों हेलीकॉप्टर में यात्रा नहीं कर रहे थे, तो कौन कर रहा था? भूषण। भूषण जी, उमेश जी का ऐसा कथन था कि उनके स्थान पर उस दिन हेलीकॉप्टर की उड़ान आपने भरी थी, सत्य है ये बात? देखिए भूषण जी, आपको जो भी कहना है बेझिझक कहिए, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपने करियर की चिंता है, मैं एक ट्रेनी पायलट हूँ और मेरे पास फ्लाइंग लाइसेंस भी नहीं, और जब तक मेरे 145 फ्लाइंग आवर्स पूरे नहीं होते मुझे लाइसेंस नहीं मिल सकता सर। तो इसमें दिक्कत क्या है? मेरे पापा को कैंसर है सर, उनके ट्रीटमेंट का खर्च और मेरे फ्लाइंग आवर्स का खर्च दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए मैंने उमेश जी से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे उनकी जगह फ्लाइंग करने दीजिए, ताकि मैं अपने फ्लाइंग आवर्स जमा कर सकूं और जल्दी से जल्दी लाइसेंस पा सकूं, और जल्दी से कमा सकूं और एक पापा का इलाज अच्छे से करवा सकूं। योर ऑनर, उमेश जी को भूषण जी की जरूरत थी और भूषण जी को उमेश जी की, लेकिन इन दोनों का इस मर्डर से क्या लेना देना? ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर, हम सब जानते हैं कि पीके इनोसेंट है, लेकिन हम उसे बचाएंगे कैसे? अटक जी, पहले आप ये सोचिए कि अपने आप को बचाएंगे कैसे। मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? क्या बैठिए तो सही, बैठ के समझाइए तो सही, क्या बोल रहे हैं आप? ये देखिए, आपकी जान को खतरा है। Thank you.
पाठक जी, आपको पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता है। आई थिंक यू नीड टू रिलैक्स पवार साहब। जहाँ तक मेरी सुरक्षा का प्रश्न है, मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता हूँ। वैसे एक हद तक तो ये प्रमाणित हो चुका है कि परिवर्तन हत्यारा नहीं है, ये कोई और है। व्यक्ति मुझे डराने का प्रयास कर रहा है। पाठक जी, आपको जो सोचना है आप सोचिए, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन देना है और आपको लेना पड़ेगा। अगर कल उठ के आपको कुछ हो जाता है तो हमारे डिपार्टमेंट का ही नाम खराब होगा। हाँ, ये कारण तो समझ में आ रहा है मुझे। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न है तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी मुझे। अंदर आइए, आज से ये आपके साथ रहेंगे। तो समझ में नहीं आ रहा कि आपका नकली सर किसने बनाया। क्या हो गया तुझे, क्या ढूंढ रहे? बॉस, अपुन आपकी परछाई ढूंढ रहे। परछाई? मैंने बॉडीगार्ड को ढूंढ रहा है। उसे कहा था बाहर खड़े रहने को, उसे ढूंढ क्यों रहा है? नहीं 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 बॉस, काम नहीं, अपुन तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। काम नहीं है तो मैं काम देता हूँ तुझे। जाओ, तुम दोनों जाकर पता लगाओ मेरा नकली सर किसने बनाया था। मैं जाता हूँ भूषण के घर पर, तुम दोनों वहीं मिलना मुझे, ओके? क्या? मैं भी जाऊँगा। कहाँ जाओगे? जहाँ आप जा रहे हैं। अच्छा, मैं तो शौचालय जाऊँगा। तो शौचालय जाऊँगा तो क्या करेंगे आप? पहले मैं जाऊँगा, जाके चेक करूँगा, उसके बाद दरवाजे के बाहर आपका इंतजार करूँगा। हर 30 सेकेंड में दरवाजे के बाहर दस्तक दूँगा। अगर आपका जवाब नहीं मिला तो दरवाजा तोड़ दूँगा। दरवाजा तोड़ देंगे? इस समय मैं शौचालय तो जा नहीं रहा, मैं तो भूषण के घर जा रहा हूँ। नहीं चलो। नहीं, चलने की क्या जरूरत, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, बैठ जाइए गाड़ी में। नहीं, केडी सर का फोन। यस सर, भूषण का घर बंद है। ठीक है सर, हम अभी वहां पहुंचते हैं। चल। केडी साहब ठीक है? बॉस, आपकी रगी तो नहीं? मेरा अंगरक्षक अंगभक्षक कहाँ से बन गया? कौन था ये? सर धीरे यार, धीरे तो। सर बहुत दर्द हो रहा है। ला, दर्द तो होगा जब आपको ये पता चलेगा कि आप ही का मुवक्किल आपसे झूठ बोल रहा था। आधे घंटे पहले जब मैं पीके के स्टूडियो फिर से तलाशी लेने गया, तब वहाँ आपके चेहरे का फर्मा और फोटो भी मिला। सोचने वाली बात है कि पीके ने यह बात मुझसे क्यों छिपाई। सब एक और बात है, पीके ने जिंदाल के दादाजी का पुतला भी बनाया था। जब मैं इन्वेस्टिगेशन करने उनके ऑफिस गया था तब एंट्रेंस पे ही था सब, उस पे भी पीके का लोगो लगा हुआ था। दादाजी का पुतला क्यों बनाया? हाँ, ये बात सच है कि मुझे तीसरा ऑर्डर भी मिला था आपका प्रोस्थेटिक चेहरा बनाने के लिए, लेकिन जब आदेश जी और मनसुख भाई का खून हुआ और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और आपने मेरा केस लिया तो मैं डर गया और थोड़ा स्वार्थी भी हो गया कि अगर ये बात मैं आपको बता दूंगा तो शायद आप मेरा केस नहीं लड़ेंगे। और कोई बात है जो आपने मुझसे छिपाई है? और कुछ भी नहीं है जो मैं आपसे छुपा रहा हूँ। वो जिंदाल साहब के दादाजी का मुख भी आपने बनाया था? नहीं। फिर झूठ बोल रहे हैं आप। तो फिर देखिए, इस पुतले के पीछे पीके क्यों लिखा हुआ है? हाँ, ये तो मैंने ही बनाया, लेकिन मुझे तो ये अब पता चल रहा है कि ये व्यक्ति उनके दादाजी है। मैंने अपने करियर में हजारों चेहरे और पुतले बनाए, लेकिन मैंने कभी उनकी पहचान नहीं पूछी किसी से भी। ये जो काम तुम करते हो, ये काम तुम्हारे पास आता कैसे है? इश्तिहार देते हो अखबार में या कोई
हाल इत्यादि है? मेरा एक एजेंट है अजीत नागपाल, वही ऑर्डर लाता था, बदले में मैं उसको 10% कमीशन देता था। लेकिन वो आदमी बड़ा फ्रॉड था, कभी कभी क्लाइंट से मेरे नाम पर वो पेमेंट वसूल कर लेता था और मुझे नहीं देता था, और इस बात को लेकर हमारा झगड़ा भी हुआ था। अजीत नागपाल जिंदाल का हेलीकॉप्टर और शक्तिशाली व्यक्ति जो लोगों को सर पर हथौड़ा मारकर उनकी हत्या कर रहा है, तीन एक दूसरे से विपरीत बात है। दिमाग की ना बत्ती ऑफ हो गई है। सच्ची आई शपथ बॉस, अपन जब किरण काका के साथ वो दारू पीने गए। दारू? अच्छा तू दारू पी रहा था, तूने तो कहा था कि तू सुधर गया। नहीं आई शपथ बॉस, अपन सुधर गया ला। अपन आपसे प्रॉमिस किया था ना बॉस। पर क्या ना बॉस, ऐसे लोगों का मुंह खुलवाने के लिए दारू मुंह में डालना ही पड़ता। तो क्या बात निकलवाई बोल। आ रहा बॉस, वो अपन को किरण काका ने बताया। हेलो काका, हेलो। ठहरो ठहरो, आएगा नाम याद, बताओ। बलवान, पहलवान जिंदल का वॉचमैन था। उसकी दाहिने हाथ की ये उंगली, ये वाली नहीं थी, वो तो कटी हुई है। हाँ बॉस। अच्छा, छोटी उंगली कटी हुई है। तब भी प्रतीत हुआ था कि उसकी छोटी उंगली कटी हुई है। अब मिलाना हत्यारा सब। जिस वॉचमैन को जिंदाल ने नौकरी से निकाल दिया हो, उसका इन मर्डर से क्या लेना देना? प्रश्न बाद में करना, पहले जा अजीत नागपाल के बारे में जानकारी प्राप्त कर। और समन, तू चौकीदार का पता लगा, जो करना है कर, उसे कल अदालत में लेके आना। जो हुकुम बॉस। अजीत जी, कृपया अदालत को बताएं क्या व्यवसाय करते हैं? जी मैं एक आर्ट एजेंट हूँ, नई पुरानी पेंटिंग स्कल्पचर्स खरीदना बेचना ये मेरा पेशा है। अद्भुत बात है, आपने अपनी आधी अधूरी पहचान दी। वास्तविकता तो ये है कि आप कला के पुजारी होने के साथ साथ हाथ की सफाई के भी पुजारी, अर्थात आप ये जो गैलरीज हैं, राजभवन, राजमहल, पुराने मंदिर, यहाँ से मूर्तियाँ जो दुर्लभ है, मूल्यवान है, चित्र इत्यादि की तस्करी करते हैं आप। जब तस्करी संभव नहीं होता तो आप अपने कारीगर से उसकी कॉपी अर्थात नकल बनवाते हैं और बाजार में बेचते हैं, लोगों को ठगते हैं। क्या आप बकवास कर रहे हैं? आप बकवास नहीं कर रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। और एक बार ऐसा ही धोखा देते समय, छल करते समय आप पकड़े गए। जिंदाल साहब को आप कुछ नकल बेचना चाह रहे थे, उन्होंने आपकी चोरी पकड़ी और आपको दंड भी दिया था। तब से आप उनसे बदला लेना चाहते थे, किंतु आप जानते थे कि आप जिंदाल साहब का बाल भी बाका नहीं कर सकते, इसलिए आपने एक योजना बनाई। जिंदाल साहब के एक निकट के व्यक्ति को आपने अपने साथ शामिल किया, उसे भागीदार बनाया, जिंदाल साहब का वॉचमैन। लेकिन इनका प्लान क्या था? हाँ, क्या प्लान था आपका, बताएंगे आप या मैं बताऊँ? जो दूसरे शत्रु थे आप, परिवर्तन जी, उन्हें भी फंसाना। इक्के से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। ये सत्य नहीं कि आपने परिवर्तन जी को जो काम इन्होंने किया था उसका मूल्य नहीं चुकाया? जिंदाल साहब को पीके का काम पसंद ही नहीं आया, इसलिए उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपने वैसा ही किया जैसा आपने सोचा था, परिवर्तन जी के शत्रु की हत्या की और उस आरोप में इन्हें फंसाया, और फिर जिंदाल साहब के हेलीकॉप्टर का उपयोग करके आपने पैराशूट द्वारा वो सर, नकली सर, प्रोस्थेटिक सर, आपने धरती पे उतारे। मिस्टर पाठक, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस वक्त अजीत जी भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे? जी नहीं योर ऑनर, अजीत जी तो नहीं थे, लेकिन भूषण जी थे, वहाँ उड़ा रहे थे हेलीकॉप्टर। मिस्टर केडी, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वो दोनों सर मिस्टर भूषण नहीं नीचे गिराए थे? मैं नहीं कह रहा योर ऑनर, अजीत जी की बैंक की सूची और इनके फोन की सूची ऐसा कह रही है जो आपकी मेज पर रखी हुई है। फोन की सूची के अनुसार कई बार इन्होंने भूषण जी से वार्तालाप, और दो अलग अलग समय इन्होंने इनके खाते से भूषण जी के खाते में 10 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर की है। हाँ, ये सच है कि मैं भूषण से लगातार मोबाइल पर बातचीत कर रहा था और उसके अकाउंट में मैंने पैसे भी ट्रांसफर किए। लेकिन वो इसलिए कि वो मुझे जिंदाल साहब के ऑफिस से
फोटो निकाल कर देने वाला था जो कि इटली और जर्मनी के आर्टिस्ट की पेंटिंग्स थी, और उसको अपने बीमार पिताजी के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, तो पैसों के लिए मैंने उससे ये काम करवाया। जज साहब, मैं गुनहगार हूँ, आप जो भी चाहें सजा मुझे दे दीजिए, मैंने लेकिन किसी का खून नहीं किया है, मैं खूनी नहीं हूँ। एडी, तुम कुछ कहना चाहते हो? योर ऑनर, आप अनुमति दें तो मैं अपने सहायक की प्रतीक्षा करना चाहूंगा जो उस चौकीदार को लेकर आ ही रहा होगा जो इनके साथी थे। बॉस, बॉस अब उस तक पहुंचता उससे पहले किसने उसको टपका दिया? तेरे चप्पू के हाथों में उसने जान दी। सर, जिंदाल के वॉचमैन का भी मर्डर ठीक वैसे ही हुआ, सर पर वार, शिकारी खुद शिकार बन गया। चलो मेरे साथ। सर, एक्सक्यूज मी मैडम, एक्चुअली हम मिस्टर जिंदाल का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उन्हें उस इंटरव्यू में इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन का खिताब देना चाहते हैं, तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं? देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ, आप लोग ऐसे मिस्टर जिंदल से नहीं मिल सकते। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बोल रही है मैडम। अपुन ने आपको यही बोला था लेकिन मानता नहीं अपुन के दोस्त। अपुन को कहता है एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपके दोस्त और सही समझे हैं। आप मिस्टर जिंदल से मिलने के लिए पहले उनका अपॉइंटमेंट लीजिए। अच्छा, वैसे मैडम अपुन क्या पूछ रहा था कि आपसे मिलने के लिए किससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? क्या वो क्या है ना, अपुन ऐसा पीछे खड़े होकर आपकी आंखें देखी, आपकी आंखें सागर से गहरी है, जी चाहता है फोड़ के मोती निकाल। मतलब बोले तो आपकी आईज रियल है कि लेंस पहन लिया आपने? ऑफ कोर्स, मेरी असली आंखें हैं। आपका इनकार, आपका गुस्सा सब असली ना? तो इकरार भी असली होगा मैडम, आज आपको देख के अपुन को अपुन की नानी माँ की याद आ गई। सॉरी, लेकिन क्या करें, आज नानी माँ अपुन के अपुन के पास नहीं है ना, बहुत दूर चल गई, अपने बच्चनों को छोड़ के चले गई, बहुत ऊपर चले गई। नानी माँ ऊपर गई मैडम, ऊपर गई मैडम, नानी माँ। मैडम नीचे आ जाओ, नीचे, इतना ऊपर नहीं गई। बहुत मिस करता है अपुन नानी को, और फिर भी मैडम कॉल मी, मिस मी, आई विल सी यू। रुकिए सर, कहाँ जा रहे हैं आप? वो अरे, इसमें रोने वाली क्या बात है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, फ्लाइंग क्लब के लिए तुमने हेलीकॉप्टर उड़ाया, अपने लिए पैसे कमाए, और भूषण को भी तुमने हेलीकॉप्टर फ्लाई करने के लिए दिया ताकि उसके फ्लाइंग आवर्स जमा हो सके। इन शॉर्ट, तुमने अपने और भूषण के जीवन में प्रकाश डालने की कोशिश की, अब थोड़ा प्रकाश इस केविन में भी डाल लेते हैं। तुम्हें पता है ये क्या है? नहीं। तो पूछो ना। क्या है? अरे ये एक लाइटर है, तुम्हें पता है इस लाइटर से तुम्हें क्या करना है? नहीं। तो पूछो ना। क्या करना है सर? इस लाइटर को तुम्हें 5 बार जलाना है, यदि तुम कामयाब हो गए तो तुम्हारे जीवन में एक नए जीवन की रोशनी प्रकट होगी, और यदि तुम कामयाब नहीं हो तो इसी लाइटर से तुम्हारी चिता जलेगी। नहीं, मान तो मुझसे गलती, मुझे माफ कर दीजिए। चलो ठीक है, तुम्हें नहीं मानते हैं, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम तो करना ही होगा, इस लाइटर को तुम्हें 5 बार जलाना होगा, यदि तुम 5 बार जला लिए तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, और यदि तुमने 5 बार नहीं जलाया
तो जिस उंगली से तुम इस लाइटर को जलाने की कोशिश कर रहे हो वो उंगली मेरी हो जाएगी। वन टू थ्री। बस आप उनको वो जिंदाल की रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि पूना में जिंदाल का एकदम खासम खास बावर्ची है। हाँ बस और कोई आदमी? हाँ, अपन को वो भी पता चला कि जिंदाल का ना एक स्टाफ था, उसका नाम जुनैद, वो आजकल पागलखाने बंद है नासिक में। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं और मेरे बॉस आपका नाम अदालत में नहीं लेंगे। जिंदाल चट को खबर भी लग गई ना, मैंने उनके खिलाफ मुंह खोला है, मेरे हाथ के साथ मेरी जबान भी कटवा देंगे। आप नहीं चाहते कि आपको न्याय मिले, उस जिंदाल को उसके किए की सजा मिले? डरिए मत, मुझे बताइए। ठीक है, एक दिन जिंदाल साहब के खाने में मुझसे मिर्ची कुछ ज़्यादा गिर गई थी, उन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा। पर अगले दिन जब काम से मैं वापस अपने घर गया तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कोई भी सब्जी वाला उसे सब्जी ही नहीं बेचना चाहता, बस हरी मिर्ची ही मिली है सब्जी मंडी में। मैंने भी बाजार जाके बहुत कोशिश की पर कोई भी सब्जी वाला, किराने वाला दाल चावल सब्जी कुछ बेचना ही नहीं चाहता था, वो सिर्फ हरी मिर्च बेचना चाहते थे और कुछ नहीं। कितने दिनों तक ये चलता रहा, मैं बेबस था, मेरा बेटा भूख से तड़प रहा था, खाली पेट वो नन्ही सी जान कब तक संघर्ष करता। और एक दिन भूख के मारे बेचारा मिर्ची खा गया और कुछ दिनों में मर गया। ये डिटेल मैं आपको नहीं दे सकता, वैसे भी ये सब गलत बात है, ये सब काम मैं नहीं करता। अब उनको अरे ये कहने क्या बोले तो 1000 रुपया लेगा। मैं मेरा मतलब था कि मैं मुफ्त में काम नहीं करता। हाँ करेक्ट, अपन जानते हैं तेरा। अब उनको बताइए जुनैद यहाँ पर कितने सालों से? जुनैद 3 साल से, और सुनने में आया कि इससे पहले वो एक्सपोर्ट मीडिया कंपनी के ऑफिस में बहुत बड़े पद पे काम करता था। फिर उसे दूसरे कंपनी में इससे अच्छा जॉब मिला तो जुनैद ने एक्सपोर्ट मीडिया कंपनी का काम को छोड़ दिया और वहाँ जाके ज्वाइन कर लिया। जॉब ज्वाइन करने के ठीक 1 महीने बाद ही उसे घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई, उसके लाखों रुपये के गहने चले गए, और तो और उसके भतीजे को किसी ने किडनैप कर लिया और जुनैद अपनी ही कंपनी में घपला किया जिसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ा और फिर बेचारा जुनैद पागल हो गया। केडी साहब, आप बहुत ही व्यस्त वकील हैं, इसलिए चाय पानी पिलाकर मैं आपके वक्त को बर्बाद नहीं करूंगा। बताइए क्या सच्चाई पता कर लिया आपने मेरे बारे में? बस जिंदाल साहब, केवल इतना ही पता चला है कि आप बहुत ही परपीड़ित व्यक्ति हैं, दूसरों को दुख देने में, कष्ट देने में आपको आनंद मिलता है। मुझे और भी आनंद आए यदि आप मुझे खुलकर बताएंगे। अब समझने समझाने को रहा क्या है, आपने अपने दादाजी का मुखौटा बनवाया शिल्पकार से, आपको वो मुखौटा भाया नहीं तो आपने शिल्पकार को दंड देने की ठान ली। मैं आपकी भाषा की दाद देता हूं लेकिन आप जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो मेरे समझ से परे है। सर्वप्रथम तो आपने उस बेचारे शिल्पकार को परिवर्तन को तड़पाना शुरू किया, तो आपका जो विश्वसनीय चौकीदार था उसकी सहायता लेकर। उसे तो मैंने बहुत पहले ही नौकरी से बाहर कर दिया था, वो भी तो ढोंग ही था जिंदाल साहब, ताकि संदेह की सुई आपकी ओर ना जाए। लेकिन जो किया आप ही ने किया, पहले सारे दुश्मनों की हत्या की, उसके पूर्व उनके मुखौटे, प्रोस्थेटिक चेहरे
जो बेचारे परिवर्तन के हाथों बनवाए गए थे, उन्हें हवाई छतरी द्वारा धरती पर भेजा ताकि बेचारे परिवर्तन पर लोग संदेह करें। बेचारे परिवर्तन को कहां पता था कि उससे प्रोस्थेटिक चेहरे नहीं बनवाए जा रहे, उसे स्वयं उसकी मृत्यु की रेखा का शिल्पांकन कराया जा रहा है। ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, बचाऊंगा उसे। वैसे आप कमाल के वकील, आखिर आपने पता लगा ही लिया कि पीके को किसने फंसवाया और क्यों फंसवाया। क्या कहा था आपने? पर पीड़ित, यानी कि सैडिस्ट। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे फंसाने की कोशिश करता है लेकिन फंसा नहीं पाता है। मत करो, कोई फायदा नहीं। इस ऑफिस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गैजेट्स लगे हुए हैं, यहाँ रिकॉर्डर, लैपटॉप, फोन, कुछ भी नहीं चलेगा। और वैसे भी तुम मेरे इस बयान को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। कुछ ठंडा मंगाऊं तुम्हारे लिए? रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो क्या हुआ, कल लाइव रिकॉर्डिंग होगी अदालत में। आपने जितने भी लोगों को परेशान किया है सब आपके खिलाफ गवाही देंगे। आपको ठंडा नहीं, दूध पीने की जरूरत है, वो भी बॉटल वाली। कितने भोले बच्चे हो तुम। एक गलती कर दी आपने केडी साहब, जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ बयान दिए थे उनके बयान रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब तो आप करवा नहीं पाओगे, क्योंकि मुर्दे बयान नहीं देते हैं। केडी साहब, अब तो आप जान ही गए हैं मेरा स्वभाव कैसा है, मुझे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में बहुत मजा आता है। मुझे अभी भी बहुत मजा आ रहा है आपकी अंदरूनी तड़प को देख के, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं गुनहगार हूं, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं इस देश के कानून से बहुत बहुत। हाँ ठीक कहा आपने चिंतल साहब, बहुत बड़े हैं, विशाल, बहुत पुरातन कहानी है, सुनी होगी आपने, हाथी चींटी से बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए आगे की कहानी तो जानते होंगे आप। पैराशूट द्वारा नकली कटे हुए सर की लैंडिंग हुई है, और ये बताना जरूरी होगा कि इस बार ये कटा हुआ सर किसी अनजान शख्स का नहीं है बल्कि देश के जाने माने उद्योगपति श्री राज जिंदाल जी का है। दिल को दहला देने वाली बात तो ये है कि आज तक खोपड़ी तोड़ हत्यारे ने जिसके भी नकली कटे हुए सर आसमान से जमीन पर भेजे हैं उनका खून भी किया है। क्या इस बार भी खोपड़ी तोड़ राज जिंदाल जी की हत्या करने में कामयाब हो पाएगा? खोपड़ी तोड़ हत्यारे ने दी है देश की सुरक्षा तंत्र को बड़ी चुनौती। अब क्या होगा राज जिंदाल जी का? नहीं, मुझे कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, रखो फोन। केटी पाठक, मुझे फांसने की कोशिश की तुमने, चीटी हो तुम, चीटी, मसल के रख दूंगा मैं तुझे, मसल के रख दूंगा। बोले तो बॉस, अपुन को आपका ये प्लान थोड़ा समझ में नहीं। रमन, सिंपल है, केडीसे ने जिंदाल को उसी के प्लान में फंसाया। अगर 24 घंटे में जिंदाल का खून नहीं होता है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि जिंदाल ही खूनी है। अल्लाह, जिंदाल। हाँ जिंदाल साहब बोलिए। केडी पाठक, अब तक सुना था भगवान ने तुम्हें एक्स्ट्रा दिमाग दिया है, लेकिन आज देख भी लिया और महसूस भी कर लिया, तुम्हारे ऐसे होशियार खिलाड़ी के साथ खेल खेलने में बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। बड़ा खुश और उत्तेजित सुनाई दे रहा था जिंदाल, कुछ तो गड़बड़ है यार। ढूंढना पड़ेगा उसे, घर पर और ऑफिस में तो मिलेगा नहीं। फिर श्रमण, लगा कहा है? ठीक है,
लाश को कितने बजे और कहाँ पहुँचाना है पता है ना? जी सर, लेकिन किसकी लाश को कहाँ पहुँचाना है ये तो आपने बताया नहीं। 2 घंटों के बाद आना, सब कुछ खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। जाओ। जी सर। जाओ भेज दो से अंदर। तैयार हो ना मेरे खोपड़ी तोड़ हथियारे, एक ही झटके में मेरे खोपड़ी को उड़ा दो। जरा भी गलती की तो मेरे आदमी तुम्हें पैसे नहीं देंगे। केडी पाठक, सारे केसेस तुम ही नहीं जीतोगे। चलो जल्दी करो, उड़ाओ मेरे खोपड़ी को। चलो जल्दी करो मैंने कहा, वरना वो केडी पाठक ये प्रूफ कर देगा कि उन चारों आदमियों को मैं नहीं मरवाया था। मारो मुझे। धन तो आपको मिलेगा। लेकिन इस थोड़े से नहीं, ये तो रमन ने बना के दिया था थर्मोकॉल का। ये सॉरी, चपली हथौड़ा है। अब आपका माथा फोड़कर आपको दंड नहीं देंगे, सूली पर लटका कर दंड देंगे न्यायाधीश महोदय अदालत में। क्या हुआ, ये आंखें फाड़ फाड़ कर आप क्यों दिख रहे हैं मुझे? अच्छा, आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ कैसे? यहाँ तो उसे होना चाहिए था, वो जो आपका प्रख्यात माथा तोड़ हत्यारा जो है। तो हुआ ये कि उसको हमने भारी धर लिया और बांध के रखा हुआ है, आपके साथ में ही लेकर जाएंगे चौकी। अब ये सोच रहे होंगे आप कि कैसे पता चला मुझे। तो वो जो मेरा सहायक है जिसे आप दूध पिलाने वाले थे, वो दूध पी चुका, बुद्धि आ चुकी उसे। उसी के कहने पर हमको ये ध्यान आया कि ये देखिए, आपने जो अपने ऑफिस में वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र लगा रखे हैं, अब अपने मोबाइल फोन में तो आपने वो यंत्र लगाया नहीं था। पुलिस की सहायता से हमने आपकी सारी बातें सुन ली और आकर के आपके माथा फोड़ हत्यारे को धर लिया और उसकी जगह मैं आ गया। और ये जो बयान आपने अभी अभी दिया वो भी स्पष्ट रूप से, जिंदाल साहब यहाँ भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र तो लगे नहीं, तो वो भी मैंने अपने मोबाइल फोन में दर्ज कर लिया। अरे जिंदाल साहब रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? आज है ये नकली है, लेकिन पुलिस असली है मेरे भाई। हाँ तो जिंदाल जी, साथ चले या ले चले? अब चलिए, कारागार में बैठकर अपना ही माथा फोड़ना ये सोचकर कि क्या सोचा था और क्या हो गया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।